वेलकम वेलकम फ्रेंड, फ्रेंड। हमारे हमारे शहर शहर टेक्निकल टेक्निकल प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म आप में लोगों आप का हार्दिक लोगों का स्वागत है। हार्दिक स्वागत जैसा कि जैसा आप कि लोग आप देख लोग पा देख रहे पा होंगे रहे होंगे कि आज जो आज वीडियो जो हम वीडियो बनाने हम वाले बनाने थे वाले थे या बना या रहे बना रहे हैं हैं वो है वीडियो वीडियो कि कि किसी भी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में जैसे कि कोई में की जैसे फाइल हो गया, अगर अगर उसको उसको वेब वेब फॉर्म फॉर्म पे पे भी भी डालना डालना है है तो तो उसके उसके लिए लिए उसको उसको कुछ कुछ एडिटिंग एडिटिंग करनी करनी पड़ती पड़ती है, है, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन करनी करनी पड़ती पड़ती है है कि कि जिस जिस साइज साइज का का वेब वेब पेज पेज एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करता करता है है सारे सारे प्रकार प्रकार के के साइज साइज को को वेब वेब पेज पेज एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं नहीं करता करता है। है। तो तो वो वो कैसे कैसे किया किया जाता जाता है, है, आज आज का का जो जो वीडियो वीडियो है है उसी उसी टॉपिक टॉपिक पर पर है है एंड एंड उसके उसके बारे बारे में। में। तो तो अगर अगर आज आज एक एक नए नए व्यूअर व्यूअर है है हमारे हमारे चैनल चैनल पर पर तो तो हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिए, लीजिए, वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो उसको उसको लाइक लाइक कर कर लीजिए लीजिए और और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो अपने अपने दोस्तों दोस्तों में में भी भी शेयर शेयर कर कर दीजिए, दीजिए, क्यों क्यों ना ना लगे लगे आप आप जो जो आप आप कर कर रहे रहे हैं हैं वो वो आपके आपके दोस्त दोस्त भी भी बात बात कर कर ले। ले। तो तो दोस्तों दोस्तों जैसा जैसा कि कि देख देख रहे रहे हैं हैं कि कि एक एक इमेज इमेज हम हम खोले खोले हैं हैं इमेज इमेज व्यूअर व्यूअर से से चलो चलो इसको इसको बंद बंद कर कर देते देते हैं हैं एंड एंड आपको आपको बताते बताते हैं हैं कैसे कैसे करते करते हैं, हैं, जैसे जैसे हमारा हमारा इमेज इमेज हम हम चाहते चाहते हैं हैं इसको इसको बनाएं। बनाएं। इसके इसके साइज साइज को को अभी अभी आप आप देख देख लीजिए लीजिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में में जाकर जाकर क्या क्या है, है, बनाने बनाने के के बाद बाद इसका इसका जो जो साइज साइज हुआ हुआ क्या क्या होगा। होगा। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, ऐसा ऐसा तो तो एसकेवी एसकेवी का का है, है, ठीक ठीक है। है। अब अब इसको इसको हम हम कर कर लेते लेते हैं हैं ओपन ओपन में। में। हमेशा हमेशा याद याद रखिए रखिए हमें हमें ओपन ओपन विद विद करना करना है है और और माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस 2010, 2010, तो तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस 2010 2010 हमारे हमारे पास पास है है जिसके जिसके पास पास जो जो होगा होगा वो वो करिएगा, करिएगा, उसे उसे अपन अपन कर कर लीजिएगा। लीजिएगा। चलें, चलें, ये ये ओपन ओपन हो हो गया। गया। अब अब हमें हमें इसको इसको क्या क्या करना करना है, है, एडिटिंग एडिटिंग करना करना है। है। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, स्टार्ट स्टार्ट एडिटिंग एडिटिंग एंड एंड इस इस पर पर क्लिक क्लिक कर कर दिए दिए एडिटिंग। एडिटिंग। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, पहले पहले हम हम करेंगे करेंगे क्या, क्या, इसके इसके साइज साइज को को मॉडिफाई मॉडिफाई करेंगे। करेंगे। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, तो तो इसका इसका जो जो साइज साइज है, है, मतलब मतलब साइज साइज तो तो जो जो भी भी है है मॉडिफाई मॉडिफाई करेंगे करेंगे वो वो बात बात गलत गलत है, है, पहले पहले फोटो फोटो को को हम हम लोग लोग क्रॉप क्रॉप कर कर लेते लेते हैं हैं क्योंकि क्योंकि फोटो फोटो का का जो जो साइज साइज है है कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं नहीं है। है। तो तो एडवांस एडवांस साइड साइड जो जो है है इसको इसको पहले पहले सही सही कर कर लेते लेते हैं, हैं, यहाँ यहाँ से से लेते लेते हैं, हैं, मैंने मैंने यहाँ यहाँ से से ला ला कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, रख रख लेते लेते खेल खेल यहाँ यहाँ देखिएगा देखिएगा नीचे। नीचे। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, यहाँ यहाँ तक तक लाए लाए हैं हैं एंड एंड इधर इधर से से भी भी ये ये यहाँ यहाँ तक। तक। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, तो तो ये ये हो हो गया गया एंड एंड देन देन ओके ओके कर कर लिया, लिया, तो तो ये ये हो हो गया गया एंड एंड अब अब देखिए देखिए तो तो साइज साइज होगा होगा जितना जितना हमें हमें चाहिए चाहिए था, था, ऊपर ऊपर से से भी भी हम हम लोग लोग चाहे चाहे थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत कर कर सकते सकते हैं हैं क्योंकि क्योंकि ऊपर ऊपर से से साइज साइज मेंटेन मेंटेन नहीं नहीं करना करना चाहते चाहते थे, थे, लेकिन लेकिन लीजिए लीजिए हम हम कर कर देते देते हैं हैं ऊपर ऊपर से से भी भी थोड़ा थोड़ा सा, सा, लीजिए लीजिए ऊपर ऊपर से से भी भी कर कर ले ले रहे रहे हैं हैं एंड एंड नीचे नीचे से से भी भी कुछ कुछ कर कर लेते लेते हैं, हैं, तो तो नीचे नीचे से से क्रॉप क्रॉप कर कर लिए लिए थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत एंड एंड देन देन ओके ओके प्रेस प्रेस कर कर लेते लेते हैं, हैं, तो तो ये ये हो हो गया गया एंड एंड फिर फिर से से हम हम जा जा रहे रहे हैं हैं एडिट एडिट में। में। एडिट एडिट देखिए देखिए यहाँ यहाँ बैक बैक टू टू एडिट एडिट पिक्चर पिक्चर या या तो तो फिर फिर यहाँ यहाँ से से भी भी एडिट एडिट पे पे जा जा सकते सकते हो, हो, तो तो हम हम बैक बैक टू टू एडिट एडिट पिक्चर पिक्चर पर पर क्लिक क्लिक कर कर लें। लें। ओके ओके फ्रेंड, फ्रेंड, तो तो ऐसा ऐसा करें, करें, पहले पहले ऑटो ऑटो क्रिएट क्रिएट पर पर क्लिक क्लिक कीजिए, कीजिए, जो जो भी भी उसका उसका बनने बनने लायक लायक है है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बन बन जाए, जाए, उसके उसके बाद बाद हम हम लोग लोग बनाते बनाते तो तो ही ही बना बना तो तो रहे रहे हैं, हैं, तो तो इस इस पर पर कर कर लिए लिए तो तो ये ये हो हो गया, गया, देखिए देखिए कुछ कुछ लुक लुक अच्छा अच्छा हो हो गया गया पहले पहले से से खेले खेले अच्छा। अच्छा। अब अब इसमें इसमें हम हम लोग लोग करेंगे करेंगे क्या, क्या, चाहे चाहे तो तो इसको इसको कलर कलर भी भी लगा लगा सकते सकते हैं, हैं, तो तो कलर कलर नहीं नहीं जो जो हमने हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है वो वो देखिए, देखिए, पहले पहले तो तो इसके इसके बाद बाद इसको इसको रिसाइज रिसाइज करना करना होता होता है। है। रिसाइज रिसाइज का का मतलब मतलब होता होता है है ओरिजिनल ओरिजिनल साइज साइज में में रखना रखना या या फिर फिर अगर अगर आप आप चाहते चाहते हैं हैं नहीं नहीं कोई कोई हमारे हमारे पास पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई कोई साइज साइज है है उस उस साइज साइज में में रखना रखना चाहें चाहें तो तो साइज साइज में में भी भी आप आप लोग लोग रख रख सकते सकते हैं, हैं, तो तो हमें हमें तो तो यहाँ यहाँ से से भी भी आप आप लोग लोग कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो जो जो मेन मेन होता होता है है वो वो होता होता है है ये, ये, मतलब मतलब क्या क्या होता होता है है पिक्चर पिक्चर का का कितने कितने साइज साइज का का होना होना चाहिए, चाहिए, मतलब मतलब कितने कितने केबी केबी का का होना होना चाहिए चाहिए या या कितने कितने एम एम बी बी का का होना होना चाहिए, चाहिए, तो तो ये ये होता होता है है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। तो तो आइकॉन आइकॉन जो जो वेब वेब फॉर्म फॉर्म में में लगाया लगाया था था जो जो फोटो फोटो होता होता है है मैक्सिमम मैक्सिमम होता होता है है 50 केबी50 केबी का का एंड एंड सिग्नेचर सिग्नेचर जो जो लगाया लगाया था था वो वो होता होता है है हाँ हाँ करीबन करीबन
और जो भी तथ्य इसके हम बता देते हैं आपको, देख लीजिए। हाँ तो कलर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोग चाहें कुछ कलर एडजस्टमेंट करना तो लीजिए करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। देखिए कलर आप लोग देख रहे हैं, इसका पूरा रुतबा चेंज हो जा रहा है कलर से। फिर हम अगल बगल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ कर लिए, इधर कर लिए तो कुछ ऐसा दिख रहा है, इधर कर लिए नीला है तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देख रहे हैं सब इफेक्ट अपना, देखिए अपना अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफाई चेक कर लीजिए जैसा आप लोग रखना चाहें। सैचुरेशन देखिए, सैचुरेशन का मतलब होता है फ्रेंड, सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि किस व्यक्ति का कौन सा कलर है, किस टाइप का व्यक्ति दिखता है। अगर आप सैचुरेशन फुल कर देते हैं तो व्यक्ति को उससे रियल पोचा पता चल जाएगा, रियल कलर पता चल जाएगा, रियल किस प्रकार का क्रीमी लेयर है या फिर जो भी हो उसका, तो इससे पास होता है। जरूर टमाटो प्रेप कर लेते हैं, जो प्रेप जो था उसका अपना हो जाए, तो जो था वो हो गया अपना, मगर फ्रेंड यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। यहाँ से और कलर ले सकते हैं, इनहेंस कलर जो दिया है यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं, तो जो उसका पैक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे दिखा है रोटेट एंड फ्लिप। और दोस्तों मेरे पास कोई पिक्चर्स है, हम उसके जब फोटो खींच रहे थे उससे हम कोई गलती कर दी, मतलब टेढ़ा मेरा खींच लिया, लेकिन हमारे पास फोटो आ गया बनने के लिए, हमें बनाना ही है, मजबूरी है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे उसको रोटेट कितने डिग्री पर करते थे, इसको हटा दीजिए या फिर यहीं से आप लोग कर सकते हैं। इसे यहाँ पर रख लीजिए 90 9। देखिए फ्रेंड्स अभी जो है हम ऊपर नीचे आपको करके दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप, जैसा जैसा आप लोग वैसा बना सकते हैं, वैसा करके भी आप क्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये देखिए क्रॉप, तो क्रॉप हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा एक बटन काम नहीं कर रहा है तो आपको दिखा रहे, चलिए फिर एक उससे अच्छा बटन है जो काम कर रहा है, जल्दी जल्दी दिख रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ भी नंबर करा सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो क्रॉप करना है 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री करना है, सॉरी 900 डिग्री करना, 90 से ज़्यादा होगा नहीं तो डिग्री 90 होता है, 180 तो कर सकते हैं, 180 डिग्री कर सकते हैं। ओके फ्रेंड ऐसा मतलब इतना था, ओके फ्रेंड इतने से आम बात है, आप लोग देखते रहिएगा और करते रहिएगा। तो हम यही आशा करेंगे कि जो भी हम आज आपको इस ट्यूटोरियल पॉइंट में बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर एक है रेड आई रिमूवर, अगर फ्रेंड्स कभी कोई ऐसा होता है कि हम लोग मूवी बना दी, मूवी सॉरी मतलब कोई चीज़ हम लोग ड्रा कर दिए तो रेड आई आ गया, मतलब आँख में कुछ रेड सा दिख रहा है, तो उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो उसका रूल देखें फ्रेंड। तो मतलब उस पर करते क्या है, हम उस आई की आँख के ऊपर ले जाते हैं, जैसे किसी का आँख किसी भी प्रकार का आ गया तो हमें नॉर्मल आँख बनाना है, तो वहाँ पर ले जाएंगे एंड वहाँ पर इसको ड्रा कर देंगे और ओके कर देंगे, दे तो क्या हो जाएगा, आई जो होगा आई का जो वास्तविकता कल होता है वापस हो जाएगा। तो ये सब फंक्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसका लुत्फ उठाइए आप लोग, यूज करिए क्योंकि आप लोग के पास नॉलेज है, तो कुछ करिए, बैठे बैठे क्या करेंगे। चलिए फ्रेंड तो हो गया, अब बताते हैं आपको सेव कैसे करते हैं स्क्रीन, क्योंकि और कुछ टेक्निक है जो सेव कैसे करते हैं। तो सेविंग का ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब आप समझ सकते हैं किसी को देना होता है, ओके फ्रेंड, या फिर कहीं किसी साइट पर इसको सेंड करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके देखते हैं क्या क्या आता है आपको। ओरिजिनल फाइल नेम्स जो है आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट विद दिस फाइल फॉर्मेट, तो फाइल का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं एक्सपोर्टिंग के समय, और भी यहाँ से आप लोग चूज कर सकते हैं आराम से। एंड वर्जन हाँ, और किस टाइप का करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ओके इसमें तो लीजिए। तो एक नया फाइल क्रिएट हो गया होगा, हाँ इसमें से अब ये कहीं और हुआ होगा, देखिए यहीं पर हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो था वो इस टाइप का कुछ बन गया जैसा बनना चाहिए था, जैसा हम बनाए, तो आप लोग इस थ्रू से अपना जैसा चाहे वैसा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसका साइज आप लोग देख सकते हैं, साइज़ क्या है इसका क्या नहीं, अब जो इसका साइज है वो है 39 KB, ठीक है फ्रेंड, तो 50 KB के अंदर हो गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को बने थे शुरू से लेकर आखिर तक, इसलिए धन्यवाद आपका।
चलिए मैं डाल लूंगी अगर आपने वीडियो में अच्छे से प्रचार करना मत भूलिएगा। याद रखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कोई कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में जरिए पूछिए, हम दूसरा वीडियो आपको समझाएंगे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।